आज हम सीखेंगे कि आप आयुष्मान कार्ड को अपडेट कैसे कर सकते हैं, करेक्शन कैसे कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड में नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी फ़ोटो गलत है, इसको सही कर देंगे। यहाँ पे वेबसाइट खोल लेंगे, बेनिफिशियरी पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगा। OTP डाल के कैप्चा डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं फटाफट। मोबाइल नंबर आपने फिल कर लेना है, ये मैंने मोबाइल नंबर फिल कर दिया है। वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई पे क्लिक करने OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आप OTP डाल के और कैप्चा डाल के जो है लॉगिन कर देंगे। चलिए इतना काम मैं कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, यहाँ से आप सब चीज़ अपडेट कर सकते हैं। आप जो भी है, एड्रेस है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोटो है, लॉगिन करके आप सब चीज़ अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है नया पोर्टल ये अपडेट हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है स्टेट अपना, या PMJAY, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपने जो है आधार नंबर सर्च कर लेना। आधार नंबर से ज़्यादा सर्च होता है, अच्छे से सर्च कर लेता है, तुरंत फैच कर लेता है डेटा। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सर्च का जो आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करने के बाद हमारे पास डिटेल आ जाएगा, जो भी इसमें इनरोल है, मतलब कि जो इस राशन कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता होगा राशन कार्ड से ही हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़ा होता है, तो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा ये। तो आपने कोई भी एक जो अप्रूव है उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपके जो है वेरीफिकेशन मांगेगा। जो भी आपका अप्रूव है, जो ग्रीन ग्रीन था, उसी पे डाउनलोड पे क्लिक करके ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पे OTP जाएगा। OTP डालने के बाद ऑथेंटिकेशन करेंगे। आप ऑथेंटिकेट करने के बाद आपका जो है यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा, जिसका भी बना होगा आयुष्मान कार्ड। उसके बाद आपने रीडू पे क्लिक करना है, यानी कि रीडू KYC पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो ग्रीन है, ये देखिए, ये सारे जो है, ये बड़ा जैसा जो है, इसका हम अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आधार OTP पे क्लिक करेंगे, इसमें जो है मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर मतलब कि करेक्शन करेंगे, एडिट करेंगे। तो अपडेट मोबाइल नंबर कैसे करेंगे, तो इस पर हम क्लिक आधार OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे OTP आ जाएगा, जो आधार नंबर पे आधार कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP आ जाएगा। OTP जो है डाल देंगे यहाँ पर। OTP डालने के बाद यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, ये आपका डिटेल शो कर जाएगा, जिसका भी होगा ये फ़ोटो आ जाएगी उसकी। और यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, रिलेशन, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रूलर, अर्बन, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज डाल के जो है आपने फ़ोटो, फिर उसके बाद आपने अपडेट करनी है। फ़ोटो अपडेट करना मैंडेटरी है। फ़ोटो जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक जो है आपका ये सबमिट नहीं होगा, फ़ोटो आपको बदलना ही पड़ेगा। मतलब कि आप अगर जो कोई भी अपडेट इसमें कर रहे हैं, चाहे मोबाइल नंबर है, चाहे डेट ऑफ बर्थ है, चाहे एड्रेस है, तो आपको उसके साथ साथ फ़ोटो भी अपडेट करना पड़ेगा। ये मतलब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी वेबसाइट नहीं है, देखते हैं क्या क्या इसमें जो है सुविधाएं और मिलेगी। करेक्शन की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इसमें। जैसे ये सही से काम करने लगा, एक और वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। फिलहाल एक मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि इस तरह से ये सही होगा। मैंने सोचा था कि ये आज वर्क करेगा, लेकिन आज भी वर्क नहीं कर रहा था। तो चलिए, आपको मैंने आइडिया दे दिया है, तो आपको जो है प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट मिलेगा जब ये वेबसाइट काम करेगा, ठीक है।